सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम सेबी के नाम से भी जानते हैं, बहुत बड़ी बदलाव करने जा रही है शेयर मार्केट में, जो कि ब्रोकर को लेकर के ब्रोकर को हटा रही है। नो ब्रोकर इन शेयर मार्केट हम कह सकते हैं। आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आए तो इसे आप फिर से दोबारा देख सकते हैं, जो कि थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, हम नोट्स पूरा बना चुके हैं, कहीं गड़बड़ाए गए तो आपको बता देंगे। देखिए पहले नया जो रूल्स है, और रूल्स हम अभी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, और पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग या फिर अभी के रूल्स की बात करें, कोई भी शेयर खरीदने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट बनाना पड़ता है, एक ब्रोकर के पास जाना ही पड़ता है। तो ब्रोकर अभी के बात करें, टॉप ब्रोकर कंपनी या फिर डीमैट अकाउंट जहाँ पे आप बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या कौन सी हो जाती है, जैसे मैं ग्रो अप हो गया, जरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, ये सब जो है टॉप में आती है। तो किसी के पास जाते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट बनाना होता है, देन वहाँ पे यानी को ब्रोकर हो गया, और वहाँ से आप शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं। तो इस प्रोसेस में एक टर्म यूज होता है कि पहले आप कोई भी शेयर खरीदने के लिए, देखिए शेयर कैसे खरीदते हैं, आप है आपको शेयर खरीदना है तो आप एक ब्रोकर या फिर डीमैट अकाउंट पे जाते हैं, वहाँ पे आप बैलेंस को डालते हैं, पैसा जो भी डालते हैं, बैंक से डालते हैं, गूगल ऐप से, गूगल से डालते हैं, फ़ोनपे से, कहीं से भी आप पैसे वहाँ पे डालते हैं, देन वहाँ से जाकर के फिर किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं। कुछ इस तरह का कि पहले आप ब्रोकर को आप यहाँ पे डीमैट अकाउंट में पैसा डालते हैं, फिर डीमैट अकाउंट से आप शेयर खरीदते हैं, कुछ इस तरह का यहाँ पे आप शेयर खरीदते हैं। अब क्या हो गया कि यहाँ पे आप डायरेक्ट आप शेयर खरीद रहे हैं तो आप डायरेक्ट कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, आप ब्रोकर अकाउंट में पैसा आप नहीं डालिएगा, ठीक है। आपको ब्रोकर अकाउंट में पैसा नहीं डालने की जरूरत है। मान लेते हैं कि कोई एक आप लिख अकाउंट बना लिया डीमैट अकाउंट, और उस अकाउंट बनाकर उसमें 10,000 रुपया डाल दिया, 10,000 डाल दिया, और उसमें से 5,000 का शेयर खरीद लिया, 5,000 उस डीमैट अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो ये पैसा आपका है, लेकिन वो कहाँ पे अभी है, डीमैट अकाउंट में है। जहाँ पे भी आप डीमैट अकाउंट को बनाए होंगे वहाँ पे वो डीमैट अकाउंट को बैलेंस बताता रहा होगा, जबकि वो पैसा आपका है। तो इस जो टर्म है ना, इस टर्म को हटा रहा है, डायरेक्ट आप अब शेयर खरीद सकते हैं, जिसका शेयर होगा उससे आप डायरेक्ट शेयर खरीद सकते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, और यहाँ पे अब आपको ब्रोकर की जरूरत नहीं पड़ेगा, यह अब सेबी जो है ना ओपिनियन ले रहा है इन्वेस्टर से कि इस तरह हटा देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉडगिरी हो रहा है।